सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में सियासत की अजीब स्थिति है कि प्रचंड बहुमत मिलने के बावजूद भाजपा सरकार नहीं चला पा रही है, बल्कि इस सरकार को सत्ता पर हावी अफसरशाही ही चला रही है। उन्होंने कहा कि नागरिकों के मूलभूत अधिकारों व हितों को सरेआम नजरअंदाज किया जा रहा है। स्थिति यह है कि बीजेपी के अंतर्द्वंद के कारण बीजेपी पर अफसरशाही हावी होती नजर आ रही है। राणा ने कहा कि बीजेपी की अंदरूनी साजिशें अब आम जनता तक पहुंच चुकी हैं, क्योंकि मंचों पर बीजेपी नेताओं की बॉडी लैंग्वेज अब आम जनता को बता रही है कि उनका निशाने पर उनके ही लोग हैं। राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सियासत व सत्ता बीजेपी के उन लोगों को रास नहीं आ रही है जो अपनी हुकूमत के आगे किसी को भी सत्ता या सियासत में देखना नहीं चाहते हैं, जिस कारण अब सरकार को अपने ही लोगों की साजिश का शिकार होना पड़ रहा है। राणा ने कहा कि बीजेपी की विरोधी टीम की साजिशों और शह के कारण ही अफसरशाही निरंतर सरकार पर हावी होती जा रही है। बिलासपुर के सरस्वती विद्या मंदिर रोड़ा सेक्टर में योग भारती की प्रांत स्तरीय बैठक आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के सभी 26 संगठनात्मक जिलों के योग के यूनिट स्थापित करने को लेकर योजना तैयार की गई। अभी तक प्रदेश में 14 जिलों में यूनिटों का संचालन किया जा रहा है, जबकि 12 का अभी प्रक्रिया शुरू की गई है। योग भारती के संस्थापक श्रीनिवास मूर्ति ने बताया कि 21 जून को विश्व योग दिवस के मौके पर सभी संगठनात्मक जिलों में यूनिट खड़ा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस यूनिट के माध्यम से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। योग भारती के माध्यम से समाज के हर व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करवाने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत पूरे प्रदेश में यूनिट स्थापित कर नियमित रूप से योग कक्षाएं शुरू की जाएंगी तथा जल्द ही पंजाब व हरियाणा में भी योग का विस्तार किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 12 मार्च को होने जा रहे भारत साउथ अफ्रीका के बीच एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। एचपीसीए प्रशासन ने भी मैच की तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। मैच के आयोजन को सफल बनाने के लिए और इसके अलग अलग विभागों के साथ एचपीसीए प्रशासन बैठकर तैयारियों में जुटा है, ताकि कोई भी कमी मैच के दौरान न रहे। एचपीसीए के सचिव सुमित शर्मा ने बताया कि 12 तारीख को होने वाले भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मैच को लेकर एचपीसीए प्रशासन ने सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि एचपीसीए प्रशासन ने अलग अलग समितियों का गठन किया है और मैच के दौरान बारिश ना हो, इसके लिए 7 मार्च को इंद्रू नाग देवता के दरबार में हाजिरी लगाई जाएगी और प्रार्थना याचना की जाएगी। उन्होंने बताया कि बारिश के दौरान तकनीकी रूप से निपटने के लिए एचपीसीए तैयार है। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई के तमाम पदाधिकारियों को भी इस मैच में आने का न्योता दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि वो आते हैं तो उनके आने से यहां क्रिकेट को बल मिलेगा। छात्रों को टिकट में छूट मिलने को लेकर उन्होंने कहा कि भविष्य में करने की जरूरत होगी तो करेंगे, वर्तमान में जो चल रहा है उसे चलने दिया जाएगा। सोलन के बाईपास में एक व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ है। ये शव बाईपास पर सड़क के कुछ ही दूरी पर मिला है। जब सड़क से लोग गुजर रहे थे तो उनकी नजर इस शव पर पड़ी। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंच को शव को अपने कब्जे में ले लिया है और शव को लेकर क्षेत्रीय अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है।
पुलिस ये जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर इस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई। जहां ये शव मिला है वहां पर भी लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने बताया कि सुबह के समय एक व्यक्ति का शव सपरून चौक पर मिला है। शव नेपाली मूल व्यक्ति का बताया जा रहा है, जिसकी उम्र करीबन 55 वर्ष है। शव को कब्जे में ले लिया गया है, उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। कांगड़ा की चाय जहां देश व विदेश में इसकी सबसे अधिक मांग है, लेकिन सीजन के इस दौर के दौरान भी चाय की पत्तियों की तुड़वाई के लिए एक दशक से धर्मशाला में मजदूर नहीं मिल रहे हैं। आलम यह है कि धर्मशाला स्थित चाय बागानों में पत्ती तुड़वाने के लिए पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से मजदूर बुलाए जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी क्षेत्र में चाय के बहुत ज्यादा बागान हैं, ऐसे में उन्हें इस कार्य का खासा अनुभव भी है। यही वजह है कि धर्मशाला के चाय बागान मालिक वेस्ट बंगाल से संपर्क कर 120 के लगभग मजदूरों को यहां बुलाया गया है। इन मजदूरों में 70 से अधिक मजदूर साल भर से यहां काम कर रहे हैं, जबकि शेष सीजन के उपरांत चले जाते हैं, जिन्हें सीजन के दौरान चाय की पत्तियां तुड़वाने के लिए चाय फैक्ट्री के संचालकों द्वारा बुलाया जाता है। चाय बागान मालिकों की माने तो जब से मनरेगा शुरू हुई है तब से स्थानीय स्तर पर मजदूर चाय की पत्तियों की तुड़वाई के लिए नहीं मिल रहे हैं। लोगों को अपने घर पे ही मनरेगा के काम मिलने से चाय तुड़वाई के लिए
कोई भी नहीं आ रहा है। चाय की पत्तियों की तुड़वाई का कार्य मौसम पर निर्भर करता है। इस मर्तबा धर्मशाला के चाय बागानों में पत्तियों के तोड़ने का कार्य 15 से 20 मार्च के मध्य शुरू होने की संभावना है, जिसके लिए धर्मशाला स्थित चाय बागान मालिकों ने वेस्ट बंगाल से मजदूरों को बुला रखा है। आपको बता दें कि लोकल मजदूर नहीं मिलने के चलते वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी से मजदूर यहां बुलाए जा रहे हैं, क्योंकि वहां का क्षेत्र चाय बागवानों का क्षेत्र है और 120 के लगभग मजदूरों की यहां जरूरत रहती है, जिनके लिए 70 मजदूर साल भर यहां काम करते हैं और 50 को वापस कर दिया जाता है। चाय फैक्ट्री धर्मशाला के मैनेजर अमनपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार 15 मार्च के बाद ही चाय पत्ती तुड़वाई का काम शुरू किया जाएगा। 10 से 12 सालों में मजदूरों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। मनरेगा के तहत काम गांव में मिलने की वजह से भी लोग अब काम को कम आ रहे हैं। थाची कॉलेज के भवन निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने एडीसी को एक ज्ञापन सौंपा। इस मामले को लेकर एकता स्वयं सहायता समूह की सचिव संकुतला देवी का कहना है कि थाची कॉलेज भवन का निर्माण कार्य लंबे अरसे से लटका है। निर्माण कार्य पंचायत द्वारा स्थानांतरित की गई करीब 10 बीघा जमीन तथा जनता व राजस्व विभाग के सहयोग से जो कुल 41 बीघा रकबा शिक्षा विभाग के नाम पर कर दी गई है। रकबा एक ही स्थान पर थाची में चयन किया गया है। इसके दस्तावेज उपायुक्त कार्यालय में प्रधान ग्राम पंचायत थाची की अध्यक्षता में गत 21 जनवरी 2019 को जमा किए गए हैं। कुछ लोग भवन का निर्माण चयनित जगह पर ना करके दूसरी जगह खणीदार पर करना चाहते हैं, जहां पर हजारों की संख्या में पेड़ों का कटान होगा। उन्होंने कहा कि हम स्थान बदलने का कड़ा विरोध करते हैं। ग्रामीणों ने उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर से आग्रह किया है कि इस भवन का निर्माण पंचायत व ग्राम सभा द्वारा चयनित जगह पर ही किया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि हमारी ये मांग नहीं मानी गई तो आम जनता को लामबंद कर आंदोलन करेंगे। ज्ञापन के दौरान ग्राम विकास कमेटी जहले देवता कॉलोनी प्रधान घुमत राम, एकता स्वयं सहायता समूह सचिव माकपा लोकल कमेटी सिराज की सदस्य संकुतला देवी, SFI मंडी जिला सचिव रोहित ठाकुर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मीडिया प्रभारी थाची कॉलेज गीतानंद, रेशमा देवी, टिलगी राम इत्यादि मौजूद रहे।